87 साल पुराने आम के पेड़ पर बना 4 मंजिला हैंगिंग हाउस, टहनियां हैं टीवी स्टैंड। राजस्थान। राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर, सिटी ऑफ लेक्स। उदयपुर में एक इंजीनियर ने अपने सपनों का घर बनाया है। इंजीनियर केपी सिंह ने अपना यह ड्रीम हाउस 87 साल पुराने आम के एक पेड़ पर बनाया है। इस अनोखे घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। दरअसल आसपास के लोगों के बीच पेड़ पर बना यह 4 मंजिला घर कौतूहल का विषय बना हुआ है। घर में सभी सुविधाएं मौजूद। यहां बात हो रही है शहर के चित्रकूट नगर इलाके में इंजीनियर केपी सिंह के ट्री हाउस की। वन इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस घर की खासियत यह है कि पेड़ पर बना होने के बावजूद इस घर में सभी साधन सुविधाएं हैं। वही आम के पेड़ पर बने इस घर की खासियत है कि इसमें रहने पर प्रकृति के करीब होने का एहसास बना रहता है। इस ट्री हाउस की यही खासियत यहां से गुजरने वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। पर्यावरण संरक्षण की है अनूठी मिसाल। दरअसल केपी सिंह की इच्छा थी कि वे प्रकृति के बीच रहें और उनके घर आंगन में पेड़ की छांव हो, ताकि ताज़ा हवा के झोंके पेड़ों की पत्तियों से चनकर खिड़की से दरवाजों के जरिए घर के अंदर तक पहुँचे। वहीं कम ताज्जुब की बात नहीं है कि साल 2000 में केपी सिंह ने जब इस घर को तैयार करना शुरू किया तो इस पेड़ की एक भी टहनी को काटे बिना इस घर को बनाया। 4 मंजिला यह मकान पर्यावरण संरक्षण की भी अनूठी मिसाल पेश करता रहा है। देता है प्रकृति के करीब होने का एहसास। इस घर की खासियत है कि इस पेड़ के विकास में बाधा न पड़े, इसलिए घर के बीच में कई जगह बड़े हॉल छोड़े गए हैं। यानी इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि प्रकृति और पेड़ को कोई नुकसान न पहुंचे। यही वजह है कि पेड़ को सूरज की भरपूर रोशनी मिलती है और यह लगातार हरा भरा बना हुआ है। वहीं जब तेज हवा चलती है तो पूरा घर झूलने लगता है। पढ़े देश 81 साल की दादी ने 85 फुट लंबे पॉल पर किया पॉल डांस, खुला रह गया सबका मुंह। टहनियों का खूबसूरती से इस्तेमाल। इस ट्री हाउस में चढ़ने के लिए रिमोट से संचालित सीढ़ियों का सहारा लिया जाता है। जहां आम का यह पेड़ 39 फीट से भी ऊंचा है, वहीं इसमें 9 फीट की ऊंचाई से यह ट्री हाउस शुरू होता है। इसकी एक खासियत है कि इस 4 मंजिला मकान को तैयार करने में कहीं भी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वहीं पेड़ की टहनियों का खूबसूरती से इस्तेमाल करते हुए कहीं इनको सोफा का रूप दिया गया है तो कहीं टीवी स्टैंड के तौर पर ये नजर आती हैं। इस मकान की डिजाइन को पेड़ की टहनियों के आकार के अनुरूप बनाया गया है। इसमें बाथरूम, किचन, बेडरूम आदि सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं।